दोस्तों, कोरोना वायरस ने दुनिया में जो कहर बरपाया है उससे तो आप अच्छे से वाकिफ हैं। और हाल ही में गाय में वायरस जनित लंपी स्किन डिजीज से भी चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसी बीमारियां इंसानों के बीच आ चुकी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ चुका है और धरती से मानव प्रजाति का अंत हो ही जाएगा। ऐसी ही कई रहस्यमय बीमारियों में से एक बीमारी इंसानी शरीर में ऐसी भी आई थी जो आज तक ज्ञान के लिए एक रहस्य है, एक पहेली है। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी थी डांसिंग प्लेग। दरअसल मध्यकालीन यूरोप में एक ऐसी घटना घटी थी जो आज तक एक रहस्य है। हुआ यूं था कि उस समय जब ये बीमारी हुई तो यूरोप में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति तब तक डांस यानी कि नृत्य करता था यानी नाचता था जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ऐसा करता क्यों था, ये आज तक भी ना विज्ञान की समझ में आया है और ना ही विद्वानों की। इस बीमारी रहस्य जानने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें बताई, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक साफ साफ नहीं बता पाया कि ये बीमारी आखिर थी क्या। दोस्तों, यूरोप में अंधकार युग यानी कि डार्क एज 200 ईस्वी से 500 ईस्वी माना जाता है और मध्य युग यानी कि मिडिल एज 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। ये दोनों कालखंड ही यूरोप में ऐसे थे जब किसी भी मानसिक रोग को भूत पिशाच से जोड़कर देखा जाता था। यानी अगर किसी इंसान को उस समय कोई मानसिक रोग हो जाता था तो ये माना जाता था कि उस इंसान पर किसी भूत प्रेत का साया है। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति एबनॉर्मल व्यवहार करते थे, असामान्य व्यवहार करते थे। लेकिन डांसिंग प्लेग आने के बाद मानसिक रोगों के इतिहास में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया और धीरे धीरे ये बीमारी महामारी में बदल गई। इस बीमारी के लक्षण थे सामूहिक पागलपन। इस बीमारी में जब कोई व्यक्ति पागल जैसा व्यवहार करने लगता था तो उसे देख देख कर आसपास के बाकी के लोग भी पागल हो जाते थे। कोई भी व्यक्ति अगर नाचता था, गाता था या पागलपन में अपने आप को भेड़िया समझकर उछलता कूदता था या एक दूसरे के कपड़े फाड़ता था तो बाकी के लोग भी उसे देखकर ऐसा ही करना शुरू कर देते थे। दोस्तों, 16वीं सदी में यूरोप के स्ट्रासबर्ग की सड़क पर एक महिला जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी, उसने डांस करना शुरू कर दिया। बिना किसी म्यूजिक के और बिना किसी खुशी के वो नाचने लगी। देखते ही देखते वहां पर डांस देख रहे और 400 लोग भी इस डांस में, इस नाच में शामिल हो गए। हद तो तब हो गई जब एक या दो दिन नहीं बल्कि महीनों तक ये लोग बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी मनोरंजन के नाचते रहे। इनमें से कुछ लोगों की थकावट से और कुछ की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई। ये कोई सिंगल घटना नहीं थी बल्कि यूरोप के दूसरे देशों जैसे इटली, हॉलैंड, बेल्जियम और पूर्वोत्तर फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी में भी इस तरह की कई घटनाएं घटी। सन 1021 में क्रिसमस से एक दिन पहले शाम के समय जर्मनी के कोलबी गख गांव में इसी तरह की एक बड़ी घटना घटी थी। इस तरह के सामूहिक डांस को इटली में उस समय टेरिटिज्म कहकर पुकारा जाता था। इन घटनाओं को ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी उस समय हुई इन घटनाओं को सुलझाने का प्रयास आज भी कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद उस समय डांस करने वालों ने एरगट पी लिया हो। एरगट एक जहरीला मोल्ड होता है। ये शरीर में एंठन पैदा करता है और साथ ही मति भ्रम पैदा करता है यानी दिमाग को भ्रम पैदा करता है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये एक मानसिक रोग था और इसका कारण था तनाव यानी कि स्ट्रेस। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय यह क्षेत्र जिसमें ये घटनाएं घटी थी संकट में चल रहा था। अकाल और भुखमरी से कई लोग मर चुके थे। चेचक और सिफिलिस जैसी बीमारियों ने यहाँ पर त्राही त्राही मचाई हुई थी जिससे यहाँ के लोगों में स्ट्रेस खतरे के निशान को पार कर गया और परिणाम स्वरूप इस बीमारी का जन्म हुआ। धार्मिक लोगों का मानना है कि यह कोई दैवीय प्रकोप था, किसी देवता का श्राप था। कुछ वैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया का ही एक रूप मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे अंधविश्वास से प्रेरित रोग मानते हैं, लेकिन पूरी तरह आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसे समझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की एक रहस्यमय बीमारी। आपका इस बीमारी के बारे में क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।